Good morning, students. स्टीलर इवोल्यूशन ऑफ स्टील इन टेरिडोफाइट्स टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग साइफनो स्टील के बारे में बात करेंगे. प्रोटो स्टील, जैसे मैंने आपको बताया था, जबकि जाइलम पूरी तरह से फ्लोएम से घिरा हो और उसके बाद पेरिसाइकिल हो, उसको हम लोग प्रोटो स्टील कहते हैं. और उसके टाइप्स बताए थे, जैसे एक्टिनो स्टील, हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील इत्यादि. आज हम लोग साइफनो स्टील की बात करेंगे. जब रंभ के अंदर या मध्य में मज्जा पाई जाती है या पिस पाई जाती है, वो उपस्थित होता है, उसको हम लोग साइफनो स्टील कहते हैं. इस तरह से जाइलम फिर फ्लोएम, बाहर की तरफ पेरिसाइकिल और सेंटर में अगर पिथ उपस्थित हुआ है तो उसको हम लोग साइफनो स्टील कहेंगे. अब हम लोग आते हैं इसके प्रकार पे. तो साइफनो स्टील को हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक. एक्टोफ्लोइक मतलब बाहर फ्लोएमी नाल रंभ, मतलब और दूसरा उभय फ्लोएमी नाल रंभ. एक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील को आप लोग इस तरह समझ सकते हैं कि ऐसे नाल रंभ में जाइलम के बाहर चारों ओर फ्लोएम की विलय होती है और उसके बाद पेरिसाइकिल होगा, सेंटर में पिथ होगा, जैसे कि इक्विजिटम में पाया जाता है. और एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील, जैसे मैंने आपको क्लास में भी समझाया था, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हमको देखने को मिलता है वो है मार्सिलिया का प्रकंद. इसमें क्या होता है कि अगर आप इसको समझोगे तो जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम और दोनों तरफ एंडोडर्मिस पाई जाती है और सेंटर में पिथ होगा. तो अगर हम सेंटर से बाहर की तरफ जाने की बात करें तो सबसे पहले सेंटर में पिथ होगा, पिथ के बाद इनर एंडोडर्मिस होगा, फिर इनर फ्लोएम होगा, फिर जाइलम होएगा, फिर आउटर फ्लोएम होगा, फिर आउटर एंडोडर्मिस होगा, आउटर पेरिसाइकिल होगा और फिर उसके बाद आउटर एंडोडर्मिस होगा. तो इस प्रकार से जब दोनों तरफ, जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम पाया जाता है तो इसको उभय फ्लोएमी नाल रंभ कहा जाता है. जैसे मैंने इसका एग्जांपल आपको बताया, मार्सिलिया के प्रकंद को आपने याद रखना है, इसमें एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील पाया जाता है. फिर उसके बाद अगर हम लोग नाल रंभ की उत्पत्ति की बात करें तो इसके दो कंसेप्ट आते हैं, एक होता है इंट्रा स्टीलर ओरिजिन ऑफ पिथ और दूसरा है एक्स्ट्रा स्टीलर ओरिजिन ऑफ पिथ. इंट्रा स्टीलर का मतलब क्या होता है, इसमें इस मत के अनुसार जो जाइलम की ट्रेकीड्स हैं या वहनिकाएं हैं वही, या जो ये थिक वॉल सेल्स हैं, उनका रूपांतरण मज्जा की कोशिकाओं में या नाल रंभ में हो जाता है. तो ये कंसेप्ट है, ये कहता है कि जो मज्जा है वो जाइलम के सेल्स के द्वारा उनके रूपांतरित होकर बीच में पित्त का निर्माण हो गया. और जो दूसरी है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर ओरिजिन ऑफ पित्त या मज्जा की रंभ बाहरी उत्पत्ति. इस मत के अनुसार रंभ के केंद्र में जो मज्जा है उसका विकास कॉर्टेक्स की कोशिकाओं के इन्वेजन या अतिक्रमण से हुआ है, मतलब कि जो कॉर्टिकल सेल्स हैं वह लीफ ट्रेस के द्वारा, जहाँ पे लीफ ट्रेस है वहाँ पे उस गैप, जो शाखा का जो अवकाश है, उस मार्ग से प्रवेश करके और सेंटर में स्थापित हो गए. तो इस तरह से दो कंसेप्ट्स हैं, एक आपको याद रखना है मज्जा की अंतरंभी उत्पत्ति और मज्जा की रंभ बाहरी उत्पत्ति, मतलब इंट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ पिथ और एक्स्ट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ पिथ. इसके बाद नाल रंभ के कुछ अन्य रूपांतरण भी होते हैं, जैसे कि सोलेनो स्टील है, डिक्टियो स्टील है और पॉलीसाइक्लिक स्टील है. सोलेनो स्टील क्या होता है, जब नाल रंभ में जो लीफ गैप्स या पर्ण अवकाश हैं ये उनसे, जब वहाँ पे लीफ गैप आ जाता है तो उसके बीच में थोड़ा सा गैप बन जाता है, उसको सोलेनो स्टील कहते हैं. जब वो अतिव्यापी नहीं होते या ओवरलैपिंग नहीं होते तो उसको हम लोग सोलेनो स्टील कहते हैं. जहाँ पे बहुत अधिक पर्ण पाए जाते हैं, जैसे टेरिस की अगर हम लोग बात करें तो उसमें ये ओवरलैप करते हैं, लीफ ट्रेसेस हैं जहाँ पर हैं, लीफ गैप्स ओवरलैप करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो रंभ होता है वो जाल रंभ का निर्माण हो जाता है, इसको हम लोग डिक्टियो स्टील कहते हैं. और कई जगह पे दो से अधिक समकेंद्रीय वलय रंभ में उपस्थित होते हैं, इसको हम लोग पॉलीसाइक्लिक स्टील कहते हैं, जैसे टेरिडियम में ये पाया जाता है. तो
मैंने इसके आपको डायग्राम्स ऑलरेडी भेज चुकी हूँ, उनको आप लोग देख लीजिए और इस टॉपिक को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा क्वेश्चन भी इस पर आ सकता है और एक फुल लेंथी क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ सकता है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।